globalization and transnational movements a very hot topic and hot area of concern for the students of political sociology because we have already have the basic knowledge about the social and political movements but social and political movements they are normally initiated in regard of domestic concerns or domestic issues but when we want to talk about globalization in transnational movements, then naturally we have to uh, make us clear that these movements are of those movements, those are not limited within the boundary of a state. The geographical boundary is not the specific limitation of such kind of movements. क्योंकि दुनिया जैसे जैसे ग्लोबलाइज विलेज में कन्वर्ट हुई वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा हुए जो सिर्फ रियासतों के अंदर तक महदूद या लिमिटेड नहीं है जैसे हम देखते हैं एनवायरमेंट का इशू है जैसे हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी के मसाइल हैं ऐसे ही हम देखते हैं कि बहुत सारी जो पेंडेमिक के से रिलेटेड इशूज़ हैं ये रियासतों के अंदर उनकी बाउंड्रीज तक लिमिटेड नहीं है इनकी अवेयरनेस से मुताक जितनी भी सोशल मूवमेंट्स चलाई जाएंगी यानी हेल्थ इश्यूज हो गए इन्वायरमेंट के इश्यूज हो गए बहुत सारे बीमारियों से निपटने के लिए मुश्तरक अमल हो गया ये सब के सब और इससे मिलते जुलते बहुत सारे ऐसे बुनियादी मसाइल जिनका ताल्लुक़ इंसानियत के साथ होता है जो महज़ ग्रोहों तक महदूद नहीं, नहीं होते ये वो तहरीकें जो इंसानियत की बेहतरी के लिए चलाई जाती हैं या इंसानियत के अंदर अवेयरनेस देने के लिए चलाई जाती हैं ये पॉलिटिकल सोशोलोजी का एक बहुत अहम टॉपिक है और जो बाहर हाल हमारे लिए इस वजह से भी अहम है कि इन तहरीकों का बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है रियास्तों के अंदर भी जब पूरी दुनिया मिलकर पूरी दुनिया के लोग मिलकर किसी ख़ास मकसद के लिए जद करते हैं तो उसके इम्प्लिकेस उसका इम्पेक्ट जो है वो सिर्फ जोग्रफ़ी तक जोग्राफ़िकल बाउंड्रीज तक महदूर नहीं रहता बल्कि फिर उसके असरा जो हैं वो इंसानों तक होते हैं सो द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सच टाइप ऑफ मूवमेंट्स दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड द स्कोप ऑफ सोशल एंड पोलिटिकल मूवमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांस नैशनल एंड ग्लोबल मूवमेंट्स दैट इज बेसिकली दब्जेक्ट ऑफ पोलिटिकल सोशोलॉजी एंड इन ना डेज द एंटी सिस्टमेटिक मूवमेंट्स दे आर कंसिडर्ड बोथ द सोशल मूवमेंट्स एंड द नेशनल मूवमेंट्स अगर किसी ख़ास निज़ाम के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही है तो उस निज़ाम के ख़िलाफ़ चलने वाली तहरीक के असरा जाहिर है उससे मिलते जुलते निज़ाम रखने वाली रियासतों के ऊपर भी होते हैं हमने देखा मिडल ईस्ट के अंदर जब हुकूमतों के खिलाफ तहरीक चली तो वो तहरीक जो है वो फैलती चली गई तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कैपिटलिज्म के खिलाफ कम्युनिज्म के खिलाफ तहरीकें चलें तो इन तहरीकों ये तहरीकें जो हैं ये किसी ख़ास इलाके तक लिमिटेड नहीं थी बल्कि यह तहरीकें जो हैं फैलते फैलते दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों तक फैली फिर इसका नतीजा क्या हुआ दीज इंक्लूड अचीविंग कोआर्डीनेशन अमंग ग्रुप मेम्बर्स ड्यू टू ग्रेटर ऑडियंस मूवमेंट्स बिकम मोर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड सच मूवमेंट्स देन फोकस मेनली ऑन मेंटेनिंग देयर ओन स्ट्रक्चर्स इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग सोशल चेंजेस अब हुआ ये कि जब ऐसी तहरीक चलती है जिसका जिसका मकसद वसी होता है जिसकी ऑडियंस बड़ी होती है उस ऑडियंस को इकट्ठा लेकर चलने के लिए लाजमी बात है कि फिर ऑब्जेक्टिव्स भी रीडिफाइन किए जाते हैं यानी जिस नुक़ नज़र पर मूवमेंट का स्टार्ट होता है बार बार उसको रिवाइज किया जाता है ऑडियंस के तहत और उन लोगों के को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को रीडिफाइन करते हुए मूवमेंट चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस मूवमेंट को रन करने वाली लीडरशिप वो ये देखती है कि कहाँ पर जाकर इस मूवमेंट के मकासद को हमें लोगों में पॉपुलर करने के लिए उनके अंदर दोबारा तरमीम की ज़रूरत है और कैसे अपनी हमत अमली को बदलने की ज़रूरत है ताकि इन तहरीकों के नतज जो हैं वो साबित हों और ये कहा जा सके कि ये तहरीकें अपने मकासद के हसूल में कामयाब हुई या किस हद हाँ तक कामयाब हुई